प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की गतिविधि हमारी एक कन्वेक्स लेंस यानी के उत्तल लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करना और दूसरा उसके द्वारा बनी गई इमेज या प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन करना। उसके लिए मुझे चाहिए एक लेंस स्टैंड, इसमें मैंने अपने उत्तल लेंस को लगा दिया है। एक हमें मोमबत्ती चाहिए जो प्रकाश के स्रोत और वस्तु का काम करेगी, और एक हमें स्क्रीन चाहिए जिस पर हम इसके प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी मोमबत्ती को जलाता हूँ। जैसे ही मोमबत्ती को मैंने जलाया, अब यह मोमबत्ती की इमेज इस प्रकाश के स्रोत का भी काम करती है और यहाँ से होती हुई यहाँ पर एक अपनी प्रतिबिंब या इमेज बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन उसके लिए हमें एक सही उचित स्थान पर इसको रखना होगा, यानी कि जो वस्तु की स्थिति है वह एक ऐसे पॉइंट पर होनी चाहिए जहाँ की हमें सार्प इमेज स्क्रीन पे प्राप्त हो। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं, एक बार सर यहाँ से दिखाना, जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक धुंधलापन है। लेकिन अब मैं मोमबत्ती की स्थिति को धीरे धीरे परिवर्तित करने का प्रयास करता हूँ और तब तक हिलाता हूँ जब तक हमें एक सार्प इमेज वहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। अब जैसे जैसे मैं आगे करता जा रहा हूँ तो इस पॉइंट पे हमें एक सार्प इमेज प्राप्त हुई है। तो इस पॉइंट को हम इस लेंस की फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। और इस इमेज को आप और अधिक अच्छे से देखने के लिए अब हम लाइट को ऑफ कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख पाएं। ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे या पर्दे पर जो प्रतिबिंब या फिर इमेज दिखाई दे रही है यह इस मोमबत्ती की है, और यह इमेज उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड है और रियल है, वास्तविक है, क्योंकि इसे हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह, और इसी के साथ अब हम इस फोकल लेंथ की, इस उत्तल लेंस की फोकल दूरी भी मापने का प्रयास करेंगे। उसके लिए फोकल दूरी क्या होती है इसे जानने का प्रयास हम करते हैं। फोकल दूरी वह दूरी होती है जो किसी भी लेंस के केंद्र से और जो हमारी वस्तु की जो इमेज बनी है उसके बीच में दूरी होती है। तो अब मैं इसको यहाँ से मापता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेकर और ये हमारी जो दूरी है स्क्रीन की, ये हमारी यहाँ पर 67 सेंटीमीटर आती है। तो इसका मतलब मेरे हाथ में जो ये लेंस है इसकी फोकल दूरी 67 सेंटीमीटर है। उम्मीद है बच्चों इससे आपको लेंस की फोकल दूरी और उसके द्वारा बने गए प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।